गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई होप मेरा वॉइस आप सभी लोगों को सुनाई दे रहा है। चैट के ऊपर में यस और नो में मुझे आंसर दीजिए। मेरा वॉइस एकदम परफेक्टली सुनाई दे रहा है, यस और नो? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, ग्रेट। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स, ग्रेट। सो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। इट इज 4:06 एंड वी आर स्टार्टिंग अवर सेशन ऑन लेमन बुल्स आई स्ट्रेटेजी। सो स्ट्रेटेजी का जो बेसिक थीम है, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में इस पूरी स्ट्रेटेजी को आगे लेके चलते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका सबसे जो बड़ा बेसिक थीम है इस स्ट्रेटेजी का, वो ये है कि क्या मार्केट के अंदर में हमको कोई स्टॉक या कोई इंडेक्स डिस्काउंट पे भी मिल सकता है क्या? मतलब मार्केट अभी 9250 चल रहा है, पर मुझे लगता है कि भाई 8000 में यदि निफ्टी मिल जाए ना वापस तो इट इज अ गुड लेवल, या 7000 में निफ्टी मिल जाए ना तो इट इज गुड। ये 9250 तो रिजनेबल प्राइस ही है इसका। और दूसरी साइड के अंदर में कि कोई कारण से यदि नहीं मिले तो एटलीस्ट आई शुड अर्न द इंटरेस्ट ऑन माय फंड। तो ऐसा कुछ कॉम्बिनेशंस भी मार्केट के अंदर में पॉसिबल है। कैसे बनता है, क्या बन सकता है, कैसे हम कर सकते हैं, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टुडे। सो शुरुआत इसकी बुल्स आई स्ट्रेटेजी की अभी अपन कर रहे हैं। जो मेन ऑब्जेक्टिव है आज के पूरे सेशन का, वो ये है कि हम ये समझें कि इंडेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, कॉम्बिनेशन डेट और इंडेक्स का किस तरीके से ऐसा बन सकता है जिससे हमको एक अच्छा इंटरेस्ट कमाने की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए, एंड साइमल्टेनियसली वी विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू बाय इंडेक्स एट लोअर प्राइस। सो वी आर गोइंग टू गेट टू बेनिफिट्स। ऑन वन साइड वी आर गोइंग टू अर्न इंटरेस्ट, एंड ऑन सेकेंड साइड वी आर गोइंग टू हैव द चांसेस और प्रोबेबिलिटी टू बाय द इंडेक्स एट लोअर रेट। एंड फाइनली पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को अपन समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द बुल्स आई स्ट्रेटेजी इज। सो इससे पहले दो इंस्ट्रक्शंस हैं छोटे से। पहला इंस्ट्रक्शन है, इंटरनेट के कारण कभी बार कनेक्शन जाता या आता होता है तो उस समय पे आपको केवल ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए पेशेंस रखना है। ऑटोमेटिकली कनेक्शन लॉस्ट होगा तो वापस कनेक्ट हो जाएगा। आप निकल जाए तो भी वेट करना, हम निकल जाए तो भी वेट करना, वापस कनेक्ट हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आंसर सेशन अपन लास्ट में रखने वाले हैं, तो यदि कुछ ऐसे क्वेश्चन ही हो जो लास्ट में पूछे जा सकते हो तो उनके लिए लास्ट तक वेट करना। और कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो बहुत ही अर्जेंट हो कि लगे कि इसका आंसर नहीं मिला तब तो आगे का सेशन समझ में नहीं आएगा, तो ऐसा कुछ हो तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन इन बिटवीन ऑल्सो थ्रू चैट। तो चैट के ऊपर में आप क्वेश्चन लिखना, वी विल ट्राई टू गिव द आंसर इन बिट ऑल्सो। शुरुआत करते हैं इसकी बार्गेनिंग इन प्रॉपर्टीज। सो नॉर्मली जब जब कभी भी बिल्डर्स प्रेशर में आते हैं या प्रॉपर्टी ओनर्स प्रेशर में आते हैं तो वो प्रॉपर्टी के अंदर में डिस्काउंट स्कीम्स निकाल रहे होते हैं। कैसी स्कीम्स निकालते हैं? तो ऐसी स्कीम निकालते हैं कि भाई मार्केट के अंदर में तो 9000 रुपए के अंदर में हमने अपना प्रोडक्ट निकाल रखा है, अपनी प्रॉपर्टी निकाल रखी है, लेकिन आपको ये प्रॉपर्टी अगर आप अभी बुक करते हो ना तो आपको ये प्रॉपर्टी मैं 8000 में दे रहा हूँ, तो 1000 पॉइंट आपको सस्ते दे रहा हूँ। और कोई कारण से कल को अगर प्रॉपर्टी का ये भाव नहीं रहता है तो आपको मिनिमम 15% का ब्याज तो मैं दे ही दूंगा। तो इसका मतलब या तो मुझे इंटरेस्ट तो मिलेगा ही 15% का, अगर मुझे एप्रिसिएशन नहीं मिला तो, और नहीं तो मुझे 8000 के अंदर में प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो दोनों में से एक ऑप्शन मुझे मिनिमम मिल जाएगा। तो ऐसी डील्स के कारण से लोगों ने प्रॉपर्टी में बहुत बड़ी वेल्थ बनाई। तो ये वेल्थ बनाने का जो एग्जैक्ट फायदा है वो हम लोग यहाँ पर कैसे ले सकते हैं वो अपन यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन वापस समझते हैं कि प्रॉपर्टी क्यों। तो प्रॉपर्टी के अंदर में मेन दो गुण थे। पहला गुण था कि प्रॉपर्टी कभी भी जीरो नहीं होती, और दूसरा गुण ये होता है उसके अंदर में कि इंतजार करो तो देर सवेर हमको ग्रोथ मिल ही जाती है। तो सचमुच में इक्विटी मार्केट में ऐसी प्रॉपर्टी के गुण कहां से मिले? तो जो इंडेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के जो 2-3 गुण थे वही गुण हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, और उन यूज करके उन गुण को
और आगे अपन इसको यूज करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से हमने यही समझा इंडेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में जो हम समझते आते हैं वही कि इक्विटी के अंदर में हमको ऐसी सेफ्टी नहीं मिलती है जो प्रॉपर्टी में है। पहली ये कि वो जीरो नहीं होती है, और दूसरी कि अगर इंतजार करो तो देर सवेर एप्रिसिएशन देती है। लेकिन अगर इक्विटी में गलत इक्विटी हाथ में आ जाए तो पता चलता है पैसे जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमको रिस्क हाई होती है, रिटर्न्स भी हाई होते हैं। हमको ये हाई रिस्क नहीं चाहिए थी, इसलिए हमने इसमें सबसे पहला डिसीजन इस स्ट्रेटेजी में भी लिया कि वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड इंडिविजुअल इक्विटी। हम लोग इंडिविजुअल शेयर्स में काम ही नहीं करेंगे। इसका मतलब नो रिलायंस, नो टाटा स्टील, नो सुजलॉन, नो एजुकॉम्प, नो अदर शेयर्स। वी आर गोइंग टू ट्रेड ओनली एंड ओनली इंडेक्सेस, केवल इंडेक्स में ही ट्रेड करेंगे। तो मुद्दा आता है इंडेक्स है क्या। तो इंडिया के अंदर में दो एक्सचेंज है जो बहुत प्रोमिनेंट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स का नाम है BSE का सेंसेक्स, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के इंडेक्स का नाम है निफ्टी। तो अब हम समझते हैं निफ्टी क्या है। तो अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, एकदम स्मार्टली मुझे कुछ क्वेश्चन के आंसर देते जाइएगा कि निफ्टी के अंदर में ओवरऑल कितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। निफ्टी के अंदर में ओवरऑल कितने नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं। वेरी नाइस शिवम, वेरी गुड हर्ष, दिनेश, वेरी नाइस अपन, शिवम, श्रेणी, धर्मेश भाई, वेरी गुड कृणाल, वेरी नाइस। सो निफ्टी के अंदर में टोटल मार्केट 50 शेयर्स का कॉम्बिनेशन है। और ये 50 शेयर्स कौन से हैं? सो ये 50 शेयर्स मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो इंडिया के टॉप 50 शेयर्स हैं, ये वो 50 शेयर्स होते हैं। सो निफ्टी क्या है? निफ्टी है इंडिया के टॉप 50 जो मार्केट कैप वाले शेयर्स हैं उसका एवरेज। अब ये टॉप वर्ड का मतलब रियल में फैंटास्टिक है। टॉप मीन्स टॉप, कमजोर शेयर ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है और स्ट्रॉन्ग शेयर अपने आप अंदर चला जाता है। तो आज उन कमजोर शेयर्स की जगह आज जो टॉप शेयर्स है वो टॉप वाले शेयर्स में है, रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, ये सब। लेकिन कोई जमाने के अंदर फ्रेंड्स सत्यम, आरकॉम, यस बैंक, ये सब भी इसके अंदर थे। यस और नो एवरीवन, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो कोई जमाने के अंदर में ये शेयर्स भी इसके अंदर थे, और जैसे ही वो कंपनियों की वैल्यू टूट करके 51 नंबर पे आई तो आते ही ऑटोमेटिकली वो इंडेक्स से बाहर निकल गए और दूसरे शेयर उसके अंदर आ गए। तो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे देना है कि यदि निफ्टी हमेशा इंडिया के टॉप 50 शेयर्स का ही एवरेज है, या सेंसेक्स हमेशा इंडिया की टॉप 30 शेयर्स का ही एवरेज है, तो क्या इंडेक्स हमको ये गारंटी देता है क्या कि वो टॉप 50 या टॉप 30 की एवरेज होने के कारण वो कभी भी जीरो तो नहीं हो सकता? यस और नो, कि इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि कमजोर आइटम ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाता है, स्ट्रॉन्ग आइटम ऑटोमेटिकली अंदर आ जाता है, इसलिए वो हमको ये गारंटी दे चुका होता है कि वो कभी जीरो नहीं होगा, देर सवेर अपने आप बढ़ता चला जाएगा। अब इसके अंदर में जो अगला कैलकुलेशन है, जो एकदम स्मार्ट कैलकुलेशन है, वो ये है कि थोड़े समय पहले रिलायंस का मार्केट कैप ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़, HDFC लगभग 8 लाख करोड़, TCS लगभग 6 लाख करोड़। ऐसे में जो 50 का टोटल करूं तो ये 50 का टोटल लगभग 90 लाख करोड़, मतलब 50 कंपनियों की टोटल वैल्यूएशन कितनी है, तो 90 लाख करोड़। और ये 90 लाख करोड़ इज इक्वल टू इंडेक्स था 12,000 का। तो फ्रेंड्स इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि रिलायंस का भाव बढ़ता है तो उसके कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, यदि वैल्यू बढ़ती है तो उस टोटल 50 शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर ये बढ़ता है तो इंडेक्स बढ़ जाता है। और उसी तरह से ही इंडेक्स घटता भी है, यदि रिलायंस का भाव टूटा तो ये वैल्यू टूटेगी, तो ये टोटल टूटेगा तो इंडेक्स टूट जाएगा। इसका मतलब इंडेक्स घटता और बढ़ता है वो डिपेंड करता है उनके भाव के ऊपर से, कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर से। तो मेरा एक मोस्ट स्मार्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा स्मार्ट क्वेश्चन है जो आपको मुझे आंसर देना है। यदि आज इंडिया की जो सबसे करोड़पति कंपनी है वो 9 लाख करोड़ की हो, तो इंडिया की जो सबसे रिचेस्ट कंपनी है यदि वो 9 लाख करोड़ की है, तो जो भविष्य में इंडिया की जो सबसे रिचेस्ट कंपनी होगी,
जो भविष्य में इंडिया का जो सबसे बड़ा सुपर पावर होगा, जरूरी नहीं है वो रिलायंस हो, वो कोई दूसरी कंपनी भी हो सकती है, पर जो भी भविष्य में आज से 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद जो इंडिया का सुपर पावर होगा, लॉजिकली उसका वैल्यूएशन 9 लाख करोड़ से ज्यादा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस और नो, ये कंपल्सन नहीं है, पर लॉजिकली उसका वैल्यूएशन भविष्य में 9 लाख करोड़ से ज्यादा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वेरी नाइस परेश भाई, प्रज्ञेश भाई, शिवम, वेरी गुड मनीष, वेरी नाइस श्रीपाल जी, वेरी गुड दिनेश, हर्ष, शालीन, श्रेणी, सपन, वेरी नाइस। सो अगर वो 9 लाख करोड़ से ज्यादा होगा तो इनडायरेक्टली जो 50 कंपनियों का टोटल है, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होंगी, उनका टोटल ऑटोमेटिकली 90 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। तो वो अगर 90 लाख करोड़ से ज्यादा होगा तो इंडेक्स अपने आप यहाँ पे 12,000 से ऊपर हो जाएगा। तो फ्रेंड, प्रॉपर्टी की जो दो गारंटीज थी कि पहला, पैसा कभी जीरो नहीं होता है, और दूसरा, यदि इंतजार करो तो देर सवेर अपने आप ग्रोथ मिलती है, ये दोनों की दोनों गारंटी उस कंट्री का इंडेक्स भी दे रहा होता है कि वो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो टॉप 50 का एवरेज है, और वो देर सवेर बढ़ेगा ही क्योंकि भविष्य में जो इंडिया के सुपर पावर होंगे उनका वैल्यूएशन 9 लाख करोड़ से ज्यादा होगा, तो 50 का टोटल अपने आप 90 लाख करोड़ से ज्यादा होगा, और वो ज्यादा होगा तो इंडेक्स अपने आप यहां से ऊपर होगा। तो यहां पर हमने क्या जो बड़ा लॉजिकल पॉइंट है वो ये समझा है कि यदि हम इंडेक्स में काम करते हैं तो हम दो गारंटीज के साथ काम कर रहे हैं कि हमारा पैसा जीरो नहीं होगा और देर सवेर तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो एसेट क्लास एक ऐसी एसेट क्लास ली है जो कोई स्पेकुलेटिव नहीं है कि पैसे खत्म भी हो सकते हैं, वो पॉइंट नहीं है। पैसे इंतजार करवा सकते हैं लेकिन देर सवेर ग्रोथ दे देंगे। जिस व्यक्ति ने 12,000 में इंडेक्स खरीद रखा है उसको फुल होप है कि देर सवेर तो इंडेक्स नया हाई बनाएगा। हर 5-7 साल के अंदर में अपन सुन लेते हैं कि शेयर बाजार तेजी में है, पर हर एक की इक्विटी शेयर उस समय तेजी में होती है वो जरूरी नहीं। तो सचमुच में शेयर मार्केट के ऊपर से इंडेक्स बना है लेकिन इंडेक्स की फिलोसॉफी, इंडेक्स की कैलकुलेशन ऑल टुगेदर डिफरेंट है इंडिविजुअल कंपनी की कंपैरिजन में। इंडिविजुअल कंपनीज मल्टी बेगर कंपनियां भी हो जाती है और कई बार वो बेगर कंपनियां भी हो जाती है, लेकिन इंडेक्स हमेशा टॉप 50 का ही एवरेज होता है, इसलिए जो मल्टी बेगर होती है वो अपने आप उसमें चली जाती है और जिसके कारण से वो देर सवेर अपने आप ग्रो होता रहता है। तो मुद्दा बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है और बहुत लॉजिकल है। अगर हम ये समझ सकें कि हम लोग एक ऐसी एसेट क्लास के ऊपर में पैसा डाल रहे हैं जिसमें यदि मैं इंतजार करूं तो देर सवेर मुझे ग्रोथ आने वाली है, तो हमारा काम करने का तरीका ऑल टूगेदर डिफरेंट हो जाता है, हमारा इन्वेस्टमेंट करने का तरीका ऑल टूगेदर डिफरेंट हो जाता है। हमको एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस आया हुआ होता है कि चलो अब मुझे ये डिसीजन लेना है कि मुझे एफडी में पैसे डालने हैं, इक्विटी में डालने हैं या फिर इंडेक्स में डालने हैं। मैं रिस्क थोड़ी एफडी से ज्यादा लूं लेकिन रिटर्न में इक्विटी जैसे कमाना चाहूं, तो क्या इंडेक्स मेरे लिए एक ऐसा बीज का एक जरिया हो सकता है क्या जो मुझे एफडी की रिस्क में इक्विटी के रिटर्न दे सकता है? तो वो समझने के लिए आगे अपन और समझते हैं। तो फिलहाल अपन ने ये समझा है कि काम इंडेक्स में करते हो तो आप देर सवेर सर्टेनिटी पे हो अनसर्टेनिटी की जगह। अब फिलोसॉफी क्या है? सो बुल आई स्ट्रेटेजी की फिलोसॉफी ये है कि अभी मार्केट चल रहा है लगभग 9,250। तो 9,250 यदि मार्केट है तो आपके पास दो ऑप्शन है। आज आप पैसा इन्वेस्ट कर दो, यदि मार्केट नीचे गया तो आपको निफ्टी मिल जाएगी डिस्काउंट में, और यदि मार्केट ऊपर ही चला गया तो आपको फिक्स ब्याज तो मिनिमम मिलेगा ही। अब वो कितना है? तो यदि आप 9,000 रुपए का कट ऑफ रेट लेते हो, इसका मतलब कि 9,000 से नीचे चला गया दिसंबर में यदि निफ्टी, तो आपको निफ्टी मिल जाएगी, और नहीं तो मिनिमम 15% का ब्याज तो मिलेगा ही। अच्छा, ये ब्याज तो आप बाजार नीचे चला गया तो भी मिलने वाला है, बाजार ऊपर चला गया तो भी मिलने वाला है। बस बाजार नीचे गया तो निफ्टी भी मिल जाएगी डिस्काउंट रेट पे, और बाजार ऊपर चला गया तो खाली ब्याज मिलेगा। आप 8,000 का कट ऑफ लेते हो तो यही ब्याज 11.5% का मिल रहा है कि 8,000 के नीचे चला गया तो निफ्टी मिल जाएगी, और अगर 8,000 के ऊपर ही रहा तो ये 11.5% का ब्याज तो अपने को मिलने वाला ही है। और द सेम वे कोई व्यक्ति बोले भाई मेरे को सेफ गेम खेलना है,
तो आप 7000 का कट ऑफ लिए, आज 9250 है, 10% का ब्याज, जिसका मतलब 700 पॉइंट तो आपको ऑलरेडी ब्याज के नाम के मिल रहे हैं, और 8.5 महीने तो लगभग 500 पॉइंट समझो, तो 500 पॉइंट तो आपको ऑलरेडी मिल ही रहे हैं, तो 7000 की जगह आपको निफ्टी 6500 की पड़ रही है। तो यदि बाजार टूट गया तो निफ्टी 7000 में आ गई और 500 रुपए ब्याज की और मिल गए, और यदि बाजार बढ़ गया तो ये 500 रुपए ब्याज के तो मिलने वाले ही है, तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर में मिनिमम 10% का रिटर्न चलता हो तो 7000 में निफ्टी मिल रही है, 11.5% का रिटर्न चलता हो तो 8000 में निफ्टी ले सकते हो, 15% का रिटर्न चाहिए हो तो 9000 में निफ्टी लेनी पड़ेगी। तो जितना ब्याज ज्यादा कमाना चाहते हो कमिटमेंट उतने ज्यादा रेट का आपको लेना है कि इतने रेट में भी निफ्टी आए तो मैं ले लूं। क्या करना होता है अब इसके लिए, तो बहुत अच्छे से समझना और फिर उसके बाद अपन उसको एक्सेल पे कैलकुलेशंस को समझाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करना होता है, सबसे पहले जो रेट का कमिटमेंट लिया वो पूरा का पूरा पैसा अपने को लाके रख देना होता है। तो मानो यदि 9000 का प्राइस चल रहा है तो 9000 मल्टीप्लाई बाई 75, तो इसका मतलब 675000 रुपए हुए, तो 675000 रुपए में आज निवेश कर दूंगा, आज इन्वेस्ट कर दूंगा। वो इन्वेस्ट जो आपने किए वो पूरा का पूरा पैसा अपन डेट में इन्वेस्ट कर देंगे। डेट के ऊपर में ऑलमोस्ट अपन 7% का ब्याज बड़ा इजीली निकाल सकते हैं, तो 7% का तो उस 675000 के ऊपर ब्याज आना शुरू हो गया, और वो 675000 रुपए अपने कोलेटरल पे रख दिए मार्जिन पे। उसी के ऊपर से फिर अपने जो स्ट्राइक कट ऑफ चूज की हुई है, तो वो कोलेटरल पे रखने के बाद उस कट ऑफ स्ट्राइक के ऊपर में अपन उसका पुट ऑप्शन बेच देंगे। तो 7% तो यहां से मुझे ब्याज मिल ही रहा है 675000 पे, वो ही मार्जिन पे यूज हो गया, उसी मार्जिन पे अपने पुट ऑप्शन बेच दिया, तो उस पुट का प्रीमियम अपने को और मिल गया, तो वी आर अर्निंग दैट प्रीमियम ऑल्सो। तो वो प्रीमियम आ गया, वो प्रीमियम और ये दोनों को हम लोग जब जोड़ते हैं तो जो रिटर्न मैंने आपको बताया कि 15% है, 11% है, 12% है, 10% है, उतना अपने को ब्याज मिल रहा है। सिचुएशन अभी की ऐसी है फ्रेंड्स कि मार्केट के अंदर में अभी जो तरीके का सिनेरियो चल रहा है, तो उसके कारण से ऑप्शंस का वॉलेटिलिटी प्रीमियम बढ़ा हुआ है। ये वॉलेटिलिटी प्रीमियम बढ़ा हुआ है तो हमेशा ऑप्शन को खरीदना ही जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है। यदि वॉलेटिलिटी प्रीमियम बढ़ा हुआ है तो बेच करके भी कोई चीज को कमाया जाता है। प्रॉफिट का एक ही रूल होता है, कोई भी चीज को महंगे में बेचो और सस्ते में खरीदो तो प्रॉफिट होता है। अब इसमें से कौन सा एक्शन पहले करना है कौन सा बाद में करना है उसका कोई रूल नहीं है। सस्ते में खरीदा महंगे में बेचा प्रॉफिट, महंगे में बेचा सस्ते में खरीदा प्रॉफिट। तो मुद्दा यह है कि आज की सिचुएशन यदि ऑप्शन महंगे हुए हुए हैं तो बेच करके खरीदने का काम भी किया जा सकता है, ऑप्शन यदि सस्ते होते हैं तो खरीद के बेचने का काम भी किया जा सकता है। पर उन सब के जो लूपहोल्स हैं उनमें कब कैसे बचना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसके लिए अपने को इन सब चीजों को और ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत होती है। तो अभी एक टाइम पे एक एग्जांपल के लिए अपन एक बार मैं आपके साथ में एक शीट शेयर करता हूं, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स अभी आपके पास में एक लाइव शीट है, ये लाइव शीट अपने को लगातार ये बता रही होती है कि अभी निफ्टी कितना चल रहा है, तो 9250 के आजूबाजू में चल रहा है 17 अप्रैल को, लास्ट 3:29:59 का अपने पास अपडेट है। इस समय पे अलग 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 पुट ऑप्शंस के क्या क्या प्रीमियम चल रहे थे और उन प्रीमियम के हिसाब से मैं कितने रुपए के इन्वेस्टमेंट के ऊपर में एडिशनल ब्याज के साथ में कितना एब्सोल्यूट रिटर्न कमाता हूं, और उसके कारण से मेरा ब्रेक इवन पॉइंट फाइनली क्या आता है। मतलब यदि मैं 9000 का कट ऑफ लेता हूं तो मेरा ब्रेक इवन है 7950 कि कल को यदि बाजार में निफ्टी टूटती है तो मुझे निफ्टी 7950 की पड़ेगी, और यदि बाजार बढ़ जाता है तो मुझे 14.83% का ब्याज कमाने को मिलने वाला है। तो अभी का जो समय है जहां पे 7% का ब्याज चल रहा है वहां पे ये दिसंबर तक मैं एनुअलाइज टर्म्स में 15% का ब्याज कमा सकता हूं। शर्त केवल इतनी है कि आई शुड बी रेडी टू बाय निफ्टी बिलो 9000 और आई शुड बी रेडी टू बाय निफ्टी बिलो 8000 लेवल। अगर यही 8000 का कट ऑफ चूज करते हैं तो वो 12% का ब्याज है और 7270 की निफ्टी पड़ रही है। अगर यही 7000 का कट ऑफ लेते हैं तो लगभग 9.5-10% का ब्याज है, 6500 की निफ्टी पड़ रही है। तो जो आदमी बोलता हो कि यार 10% का ब्याज मिल जाए ना तो आई एम हैप्पी, और 6500 में तो निफ्टी मिले तो मेरे को ले ही लेना है,
6,500 तो 2008 वाला टाइम की बात हो गई, तो आज से 12 साल पहले का जो भाव चल रहा था ना इंडेक्स का, अपन ऑलमोस्ट उस लेवल पे पहुंच गए अगर वहां पे निफ्टी मिल रही है तो। इसका मतलब जो आदमी 12 साल से तपस्या कर रहा होगा, हमको उस लेवल पे निफ्टी मिल गई, और नहीं तो मुझे मेरा ब्याज है वो 10% ब्याज तो मिलना ही है। तो अब अपन ने इसके अंदर में क्या किया, तो एक बार इसको एक काम करते हैं, अपन इसको कॉपी करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर में एक्सेल शीट दिख रही है, यस और नो एवरीवन? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके सो व्हाट इज द एक्सपायरी? तो एक्सपायरी कौन सी है अनल? तो दिसंबर एक्सपायरी की बातें चल रही है ना। अजय मेहता सर बीपी टू रेट विल बी अवर कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट अर्निंग। एग्जैक्टली अजय भाई, बीपी टू क्या होगा? तो हमारे को जो रेट, हमारी जो कॉस्टिंग हो गई और प्लस इंटरेस्ट अर्निंग सब गिनने के बाद में आपका वो बीपी टू आया है। यस ओके। इसके अलावा कुछ और कोई क्वेश्चन कुछ खास था क्या? इज डेट वैल्यू कंसिडर्ड इन इंडेक्स शेयर्स लाइक यस बैंक? नो, डेट अपन ने एकदम सेफ डेट वाले जो इंस्ट्रूमेंट है तभी अपने 7% की इंटरेस्ट गिनी है। कौन से डेट में पैसा डालते हैं That we will update you once you start this trading और वो जब करोगे तब हम लोग आपको बता पाएंगे। Can you please repeat this sheet again? Yes, तो प्रियांश एक बार मैं वापस इसको repeat करता हूँ, अच्छे से समझना है इस point को। So अभी आपको वापस वो जो live sheet है web page वो दिख रहा है yes or no? क्या होता है मुझे idea नहीं आता है, कई बार live sheet जो है वो अभी आपको दिख रही है web page? No, yes, yes, okay, no. नहीं, एक भी नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, रुको रुको, yes, yes, समझ गया, नहीं दिख रहा है। अब आपको दिख रहा होगा। So, प्रियांश का एक क्वेश्चन है, तो एक बार मैं वापस पहले वहां से शुरू करता हूँ, फिर मैं कैलकुलेशन पे लेके जाता हूँ। प्रियांश इस शीट का मतलब ये है कि यहाँ पर आप कट ऑफ रेट को चूज करते हो। कट ऑफ रेट मतलब यू आर, इफ यू आर रेडी टू बाय निफ्टी एट 8,000, तो जो 8,000 का पुट है वो लगभग 390 रुपए में बिक रहा है। इसका मतलब 390 रुपए आपको मिल गए। 8,000 रुपए यदि आप निफ्टी का कमिटमेंट लेते हो, 75 की क्वांटिटी है, तो आप 6,00,000 रुपया इन्वेस्ट कर देते हो। वो 6,00,000 इन्वेस्ट क्यों करते हो? क्योंकि वो 6,00,000 रुपया इन्वेस्टमेंट इसलिए कराया जा रहा है कि भविष्य में कल को यदि निफ्टी टूट गई तो इमीडिएटली उस समय आपके पास पैसे हो के नहीं हो, तो वो रिस्क खड़ा नहीं करना हो, तो अपन उस समय का पैसा आपसे शुरुआत में लिया हुआ है, वो पैसे को अपन यूजलेस नहीं रहे, उसलिए उसको डेट में डाल दिया। तो डेट का इंटरेस्ट प्लस ये 390 सबको जोड़ते हैं तो ओवरऑल अपने को 9.13 एब्सोल्यूट टर्म्स में पैसा मिल गया 8.5 महीने का। तो इंडायरेक्टली वो लगभग 730 रुपए मिले हैं टोटल। वो 730 रुपए मिले हैं, इसलिए 8,000 का जो ब्रेक इवन है वो आपका 7,270 आ रहा है। और इनडायरेक्टली ये 9.13 जो 8.5 महीने का आपको मिल रहा है वो एनुअलाइज टर्म्स में आपको 11.53% का एनुअलाइज रिटर्न मिल रहा है। यू गॉट दिस यस और नो? एक बार यस या नो लिख करके मुझे वापस चैट पे भेजो मैसेज। प्रियांश ग्रेट, चलो अब है ना अपन आगे चलते हैं इसमें। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब मैं वापस एक्सेल पे आ गया हूं और फिर से मैं एक्सेल को शेयर कर रहा हूं आपके साथ, और यहां पर अपन इस पूरे डेटा को एक बार रख देते हैं। अब ये पूरे डेटा को अपन ने यहां पे रखा, और इनडायरेक्टली ये यहां पे रखने का लॉजिक ये है कि इसकी कैलकुलेशन को अपन एकदम अच्छे से समझ लें। तो पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना, इसलिए एक काम करते हैं, बस तीन ही डेटा है अपने पास में, 9,000, 8,000 और 7,000। 9,000 वाला जो डेटा है उसके पुट ऑप्शन का प्रीमियम 674 है। सो पुट ऑप्शन क्या होता है फ्रेंड्स? पुट ऑप्शन का मतलब होता है राइट टू सेल, मतलब इसके थ्रू जो इस पुट ऑप्शन को खरीद रहा है उसको राइट टू सेल बेचने का हक मिल रहा है।
और जो इसको बेच रहा है, इसका मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी की जैसे काम कर रहा है, जो प्रीमियम रिसीव करता है वो गारंटी देगा, तो वो सामने वाले को हक दे रहा है कि तुम जब चाहो तब मुझे 8,000 में निफ्टी बेच देना। अगर ये वाला मैं लाइन चूज करता हूँ तो यहाँ पर वो हक दे रहा है कि तुम जब जाओ तब मुझे 8,000 में निफ्टी बेच देना। तो 8,000 में निफ्टी बेच देना, उसका उसने कितना रुपीज दिया, तो 8,000 की जो स्ट्राइक है उसका उसने 390 रुपया दिया। निफ्टी का लॉट साइज कितना है, तो लॉट साइज है 75 क्वांटिटी का। इसका मतलब क्या वैल्यू हो गई, तो वैल्यू हो गई है 75 मल्टीप्लाई बाई 8,000। तो सामने वाले को 8,000 में निफ्टी बेचने का हक मिल गया। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको निफ्टी 8,000 में खरीदने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है। सामने वाला 8,000 में कब बेचेगा, जब निफ्टी 8,000 से नीचे चल रही होगी। अगर निफ्टी 8,000 से ऊपर चल रही होगी तो मार्केट में बेच देगा। अगर निफ्टी 9,000 चल रही है तो वो 9,000 में मार्केट में बेचेगा। लेकिन कोई कारण से निफ्टी यदि दिसंबर तक आते आते 7,000 हो जाती है तो वो आपको 8,000 में बेचेगा, क्योंकि ये 390 रुपए आपको उसने इसीलिए चुकाए हैं और ये 390 रुपए आपने रिसीव किए। तो इनडायरेक्टली आपने प्रीमियम कितना रिसीव किया, तो 392 मल्टीप्लाई बाई 75, तो आपने 29,250 प्रीमियम रिसीव कर लिया। अब ये जो 6,00,000 रुपए हैं ये मार्जिन पे रखने पड़ते हैं, तो रुपए भी रख सकते हो और आप डेट भी रख सकते हो। तो मानो आपने इसको यदि डेट में पार कर दिया और वो डेट में जहां पार किया है वो यदि 7% वाला डेट है, तो आपको ओवरऑल इंटरेस्ट कमाने को मिला। तो इंटरेस्ट कितना कमाने को मिला, तो दिस मल्टीप्लाई बाई 7% मल्टीप्लाई बाई, मैं एक बार राउंडिंग में मोटा मोटा कर रहा हूं, अभी 8.5 महीने बाकी है, और डिवाइड बाई 12, 7% साल का है, तो 8.5 महीने का ब्याज कितना मिला, तो 8.5 महीने का ब्याज भी मिल गया ऑलमोस्ट 29,750। तो ओवरऑल कितना मिल गया, तो ओवरऑल अर्निंग हो गई है दिस प्लस दिस, तो 59,000। इन्वेस्टमेंट कितना किया हुआ था, सो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था अपना ओवरऑल 6,00,000 का। तो क्या इंटरेस्ट यील्ड मिली अपने को, तो इंटरेस्ट यील्ड मिली अपने को इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो अगला 9.83% की। सो ये नॉन जो ओवरऑल आ रहा है ये एब्सोल्यूट रिटर्न 9.13, क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह भी निकाली हुई है अपनी अर्निंग्स की, कि कमर्शियल चार्जेस। सो ये 9.83 मिला, और अगर एनुअलाइज्ड टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर दें अपन, ये मोटा मोटा एवरेज में निकाला हुआ है, तो अगर इसको मैंने एनुअलाइज्ड टर्म्स में कर दिया तो मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइडेड बाई 8.5, तो एनुअलाइज्ड टर्म्स में ये 13.88% का हमको ब्याज मिल गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने क्या कैलकुलेशन समझी, यहाँ पर अपने ये कैलकुलेशन समझा कि किस तरीके से अपन एक फिक्स ब्याज कमा सकते हैं। ये एक इतनी बड़ी स्किल हो सकती है हमारे लिए कि मार्केट में जब जब वॉलेटिलिटी आवे और बड़े फॉल आए तो इमीडिएटली आपके पास में इंटरेस्ट कमाने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खड़ी हो जाएगी। और वो इंटरेस्ट कमाने की अपॉर्चुनिटी कोई छोटी नहीं है, ब्याज यदि बहुत अच्छे लेवल पे कमाना यदि हम सीख जाएं तो इट कैन मेक लॉट ऑफ सेंस फॉर अस। कितने लोग ऐसे हैं, अच्छे से समझिएगा इस पॉइंट को, जो बहुत काम का है, कितने लोग हमारे पास में ऐसे हैं जिन्होंने इंडेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी में पैसे डाले हुए हैं, 30% पैसे की जरूरत होती है, बाकी का 70% वो डेट में पार्क करते हैं। वो डेट पे पार करते हैं, तो उनका डेट पार कहाँ पे होता है, तो वहां पे 7% में उनका डेट पार्क हुआ, 8% में डेट पार्क हुआ। तो वो यदि इसके लिए रेडी हो कि अगर इतना नीचे चला जाए तो मैं एडिशनल इतनी निफ्टी तो और ले ही सकता हूं। आप लोगों के भी एंड पे प्लान होता है ना कि भाई आपका कोई एक म्यूचुअल फंड का एक्स पोर्टफोलियो है, या फिर इक्विटी का पोर्टफोलियो है, या इंडेक्स का पोर्टफोलियो है, और आप उसके लिए भी रेडी हो कि आज मेरा 12,000 का या 11,000 का या 10,000 के लेवल पे मेरा इतने का इंडेक्स खरीदा हुआ है, लेकिन कोई कारण से कल को 8,000 आ जाए तो मैं इतना और खरीद सकता हूँ, 7,000 आ जाए तो और खरीद सकता हूँ, 6,000 आ जाए तो इतना और खरीद सकता हूँ। तो आपको क्या करना होगा, आपका ऑब्जेक्टिव है जो एकदम क्लियरली आपको अभी घर जाकर के ये होमवर्क करना है। ये क्या होमवर्क है आपको, तो अच्छे से क्वेश्चन को समझना, एट वॉट लेवल यू कैन एड इंडेक्स इन योर पोर्टफोलियो। नंबर वन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप सब लोगों को यदि ये इंटरेस्ट होगी, अगर इतना भाव आ जाए ना तो मेरे को इतने की तो नई निफ्टी खरीदने का इंटरेस्ट है
या नया इंडेक्स या इक्विटी खरीदने का इंटरेस्ट है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कौन से लेवल पे खरीदने का इंटरेस्ट है, और दूसरा है हाउ मच वैल्यू यू विल एड एट दैट लेवल, कि वो जो लेवल आप जो बता रहे हो वहां पर आप कितना नया वैल्यू एड करना चाहते हो। छोटा मोटा कंफ्यूजन भी हो सकता है, और अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के प्रति क्लियर हो तो ये बहुत बड़ी क्लैरिटी भी दे सकता है। कई ऐसी स्ट्रेटेजीज होती है जो वैल्यू बाइंग होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, जितना वैल्यू टूटता जाता है मार्केट का, वो उतना फंड को डेट में से इक्विटी में पार करते जाते हैं, बैलेंस फंड वगैरह कई लोग ऐसे काम करते हैं ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग कि जब मार्केट के अंदर में डेट का ब्याज अच्छा मिल रहा हो, जो पीई है वो बहुत हाई चल रहा हो, या मतलब सब कुछ महंगा चल रहा हो इक्विटी के अंदर में, तो उस समय पे आदमी इक्विटी में कम स्टेक लेता है और डेट में ज्यादा लगाता है, और फिर वाइस वर्सा करता रहता है। जब बाजार टूटने लगता है तो वो डेट में से निकाल निकाल के इक्विटी खरीद रहा होता है। तो ये क्वेश्चन को आप ए बी सी डी चार पांच लेवल तक ले जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि अभी बाजार चल रहा है 9 to 5 0, और मानो अभी आपका 100 रुपए का पोर्टफोलियो है, तो आप बोलते हो कि कल को यदि बाजार 8000 आ जाए तो मैं नया 25 रुपए का पोर्टफोलियो और एड करूंगा। वापस यही क्वेश्चन अगला ए के बाद फिर से यही क्वेश्चन बी कि वापस बाजार कल को यदि 7000 आ जावे तो मैं नया और नया 25 रुपए ऐड कर दूंगा, 6000 आ जावे तब तो मैं उस समय पे 50 रुपए नए ऐड और कर लूंगा, 5000 आ जावे तो मैं नए 100 रुपए और ऐड कर लूंगा। आपको अपना फाइनेंशियल प्लान पहले इस तरीके से बनाना है। ये बनाने से क्या क्लैरिटी मिलेगी, ये बनाने से आपको जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, वो बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आपका जो डेट की जो यील्ड है विल ऑटोमेटिकली राइज। बहुत अच्छे से समझना, केवल ये एक चीज की क्लैरिटी लेते ही आपके डेट की यील्ड घर बैठे बैठे बढ़ जाएगी, केवल ये एक चीज का आंसर लेते ही। आंसर केवल आपको एक क्लैरिटी देनी है कि भाई 8000 में 25 रुपया नया ऐड कर सकता हूं, 7000 में नया 25 ऐड कर सकता हूं, जो भी अमाउंट है वो, इतना सा करते ही आपका डेट का यील्ड बढ़ गया। और वैसे भी आप करते हो अगर, तो अगर आप ये करने वाले हो कि एक लेवल नीचे जाता है तो मैं डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करने वाला हूं, तो जो जो व्यक्ति बाजार नीचे जाए तो इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले हैं या इक्विटी का पोर्टफोलियो बढ़ाने वाले हैं, उन सब लोगों को ये यील्ड कमानी ही चाहिए, उन सब लोगों को ये यील्ड कमानी चाहिए, क्योंकि जाने को कुछ नहीं हुआ उसको। समझिएगा, ऊपर का एग्जाम्पल क्लियर था, 7% डेट तो ऐसे भी मिल ही रहा है अभी भी आपको, आपने केवल ये बोला यस 7000 के ऊपर में मैं नया 25 रुपए ऐड करूंगा, आपने केवल ये कमिटमेंट लेते हो, ये लेते ही आपको उस पुट का प्रीमियम मिलना शुरू हो जाता है। ये 225 रुपए घर में फ्री के आते हैं, और ये 225 रुपए जो घर में फ्री के आते हैं हमारी यील्ड को बहुत अच्छा बढ़ा देते हैं। तो पैसा किसका मिला पता है आपको, आपने कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, इन्वेस्टमेंट आपका डेट में था, डेट में है, आपको केवल और केवल क्लैरिटी लाने का पैसा मिल रहा है। अगर आप अपने फाइनेंशियल प्लान के ऊपर में क्लियर हो तो आपको पैसा तुरंत मिलता जा रहा है। यू गॉट दिस, कम ऑन एवरीवन, एवरीवन गिव मी यस। समझ में आया ये पॉइंट, आपका फाइनेंशियल गोल क्लियर हो तो आप एडिशनल इंटरेस्ट खुद कमा सकते हो, यस और नो? वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, लवली, यस। सो अब अपन ने क्या किया, अब अपन वापस चलते हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर में। तो क्या क्या फीचर्स देखे अपन ने इस पूरे के पूरे प्रोडक्ट के अंदर में। फीचर नंबर वन कि ये स्ट्रेटेजी ऑलमोस्ट दिसंबर 2020 के लिए बनाई हुई है, तो आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हो वो आपको लगभग दिसंबर तक खड़े रहना है, ये कंडीशन के ऊपर में आप इन्वेस्ट करते हो। लॉक इन पीरियड नहीं है कोई भी, कल को यदि आप घुस जाते हो बाजार बढ़ जाता है तो आप प्रॉफिट में होगे, आपको निकलना तो आप निकल सकते हो, और कल को आप घुस जाते हो बाजार टूटा हुआ है तो आप हो सकता है लॉस में हो, आप निकलना चाहो तो निकल सकते हो पर आपको लॉस बुक करना होता है। कोई भी तरह का एंट्री लॉट या एग्जिट लॉट नहीं है इसमें, तो घुसते समय आप कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देते हो, निकलते समय आप कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी नहीं भरते हो, आप बीच में भी निकलते हो तो
काम पूरा का पूरा कस्टमर के खुद के अकाउंट में हो रहा होता है, तो आप अपने अकाउंट में ट्रेड करते हो। ये अपने को अपॉर्चुनिटी देता है कि अपन लो रेट में कर सकते हैं, और ऊपर से दूसरी अपॉर्चुनिटी देता है कि हम लोग बहुत अच्छा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। और सारा के सारे काम एल्गोरिदम से होने के कारण से, ऑटो ड्रिवन होने के कारण से, हमको ये श्योरिटी होती है कि हमने जो प्लान बनाया हुआ है। कई लोग ऐसे होंगे जो वापस दिसंबर के बाद फिर से शिफ्टिंग का सोचेंगे, कई बार ये सिचुएशन हो जाता है बाजार टूट गया पर हमको माल नहीं खरीदना है, पर अगला कमिटमेंट देकर के हमको आगे चलना है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन के ऊपर में जो भी करना चाहे, तो वो सब काम अगर एल्गोरिदम के अंदर कोडेड हो, तो लिक्विडिटी नहीं हो, हो तो भी हर जगह पे काम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी का करंट सिचुएशन है, 12,000 के बाजार जो है वो टूट करके 8,000 आ गया, तो जो 12,000 वाले पुट ऑप्शन है वो एकदम इन द मनी हो जाते हैं, वो एकदम इन द मनी हो जाते हैं। तो उनका 3,000-4,000 का भाव चलता है, जिसमें बिड ऑफर की लिक्विडिटी का इश्यू चालू हो जाता है। पर उस समय पे भी एकदम फेयर वैल्यू के ऊपर में मेरे को एंट्री या एग्जिट मिले, ये श्योरिटी अपने को एल्गोरिदम दे रहा होता है। मार्केट जैसे निफ्टी चेंज होता है, वो कंटिन्यूअसली अपने प्राइस को चेंज करता रहता है और अपने को श्योरिटी देता है कि अपन हर लेवल के ऊपर में जो अपना फेयर प्राइस है वो अपन लेके निकलने वाले हैं। So what exactly Fin Ideas is going to charge? So Fin Ideas will charge 1% fee. तो जो exposure का काम किया उसका 1% हम fee charge करते हैं, और उसके बदले में ये पूरे के पूरे तरीके को manage करते हैं। इसी की पूरी अलग से back office बनी हुई है, इसी की पूरी live price tracker है, जो मैंने web page दिखाया था वैसा आपको web page मिल जाता है। तो आपको live opportunity दिख रही होती है कि इस समय पे मेरे को कितना ब्याज कमाने की opportunity है, और the same way मेरी जो बैक ऑफिस होगी वो आपकी, उसके अंदर मैं आपको लाइव दिख रहा होगा कि मुझे अभी क्या यील्ड मिल रहा है, कितना ब्याज छूट रहा है, क्या रिटर्न छूट रहा है, अगर मैं अभी निकल जाऊं तो कितना मिलता है, या शिफ्ट करूं तो कौन से स्ट्राइक पे शिफ्ट करता हूं तो और एडिशनल ब्याज कमा सकता हूं। ये सारा का सारा एक्सेस आपके पास लाइव अवेलेबल होता है। सो फ्रेंड्स, ये थी बुल्स आई स्ट्रेटेजी, और बुल्स आई स्ट्रेटेजी का जो मेन लक्ष्य था वो था कि पहला नंबर कि हम लोग क्या इंडेक्स को डिस्काउंट में खरीद सकते हैं, और दूसरा क्या उसके बावजूद भी हम अच्छा ब्याज कमा सकते हैं। तो ब्याज कमाने वाले की बुद्धि जिसकी चलती है वो आदमी इसके अंदर में बहुत अच्छे से काम कर सकता है। जिस व्यक्ति को नीचे में निफ्टी चाहिए उस आदमी का भी इसमें बहुत अच्छा काम हो सकता है, और जो व्यक्ति अपॉर्चुनिटिस्टिक है कि वो हर लेवल का प्लान पहले से बना सकता है, उसके लिए तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर ही सकता है। तो नाउ द फ्लोर इज ऑन फॉर यू। अब आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। I will be very happy to give you the answers. तो मैं चैट एप्लेट को खोल दिया हूँ, और ये चैट एप्लेट के ऊपर में आप अपने क्वेश्चंस लेके आ सकते हैं साथ में। आपको अगर ये इसी के अंदर में आगे बढ़ना हो तो we will send you the link of 5,900 रुपी, 5,000 plus GST का, वो लिंक पे आप पे करके अमाउंट को हम लोग आपको इमीडिएटली कंसल्टेंसी शुरू कर सकते होते हैं। आपका KYC वगैरह जो करना है वो सब साथ में इसी में सब आगे है, तो वो सब कुछ हो जाएगा। और फिर बाद में आपका जब ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है उस समय पे जो रेस्ट जो भी आपकी AMC होती है वो आपको भर देनी होती है। तो ये लिंक के साथ में इफ यू वांट तो वी विल सेंड यू दैट लिंक। और साथ साथ में मैं आपको फीडबैक फॉर्म का लिंक भेज रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन भी पूछते जाइए, और जिन जिन लोगों को इसके बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी है वो अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बाकी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लिंक भेजा है उसके ऊपर में टिक करके आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू। तो अब मैं क्वेश्चंस के ऊपर जाता हूं। क्वेश्चन अनल का है, व्हाट अबाउट द ऑप्शन लिक्विडिटी ऑफ दिस एक्सपायरी। सो अनल, वी विल एंश्योर दैट कि हम लोग आपको जिस स्ट्राइक्स में घुसा रहे हैं उसको अंदर से कैसे निकाला जाएगा। एल्गोरिदम का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है जिसके अंदर से वो लिक्विडिटीज अपने आप क्रिएट करके भी निकाल के लाता है। सचमुच में हमको फेयर प्राइस पे कोट करना आना चाहिए। फेयर प्राइस पे कोट होता है तो अपने को ऑटोमेटिकली काउंटर पार्टीज मिलती है। तो लिक्विडिटी का जो इश्यू है वो आपके लिए बहुत बड़ा इश्यू नहीं रहने वाला है, बहुत इजीली वो काम हो जाएगा। कैसे होगा दैट वी विल एंश्योर। पर आपका काम, आपको जो रेट बताई हुई है वो रेट पे आप जितना भी पैसा पार्क करना चाहो आपका पैसा पार्क हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आईफोन के नाम से जो भी व्यक्ति अपना नाम रीनेम कर सकते हो आप, है ना, तो आप अपना नाम रीनेम करके अपना नाम भी डाल सकते हो। हाउ मच टैक्स आर वी लायबल टू पे ऑन दिस। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए मैं वापस एक बार एक्सेल के ऊपर में आता हूं। कि भाई हमारे को इसके अंदर में टैक्स का क्या यील्ड, टैक्स का क्या इंपैक्ट आने वाला है। तो टैक्स कैसा आने वाला है, तो आपको दो इनकम होने वाली है। एक आपको डेरिवेटिव सेगमेंट से इनकम होगी और दूसरा आपको इंटरेस्ट की इनकम होगी।
डेरिवेटिव सेगमेंट से जो इनकम होती है वो बिजनेस इनकम कहलाती है, और इंटरेस्ट के सेगमेंट से जो इनकम होती है उस इनकम को हम लोग अदर सोर्सेस के अंदर में वो आती है अपने को। दोनों की दोनों जो इनकम है, ये दोनों की दोनों इनकम जो जो टैक्स पेयर का स्लैब होता है उसमें टैक्स लगता है उसको, मतलब वो 0%, 10%, 20%, 30% वो जिस स्लैब में है वो स्लैब में उसको टैक्स लग रहा होता है। इंटरेस्ट भी उसको उसी तरह से टैक्सेबल होता है और डेरिवेटिव्स की इनकम भी उसको सेम उसी तरह से टैक्सेबल होती है। कोई कारण से कल को यदि उसमें कोई लॉसेस आते हैं तो वो वापस वही कैरी फॉरवर्ड भी वो 8 साल तक का जो कैरी फॉरवर्डिंग वाला सिस्टम है वो पूरा का पूरा उनको मिल रहा होता है। तो अगले साल के अंदर कवर हुआ, गेन आया, तो ये करंट वाला जो लॉस है वो वापस कवर हो गया, तो वो पूरा का पूरा उसको गेन वापस मिल जाता है। तो ये उनका पूरा का पूरा टैक्सेशन है। आप एफडी के अंदर में भी यही रेट पे टैक्स भरते हो और यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, टैक्स आपका वो का वही रेट पे लग रहा होगा। यस, आगे अपन फिर से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैन एनआरआई बाई पुट ऑप्शंस? तो यस विनीत, एनआरआई बाई और सेल सब कुछ कर सकते हैं, उसका पूरा का पूरा फॉर्मेलिटी है और वो पूरा मैनेज जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो पूरा अपने यहाँ पे डेवलप्ड है। तो इफ यू आर हैविंग द एनआरआई स्टेटस एंड इफ यू वांट टू ट्रेड इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी यू कैन डू इट। कैसे क्या करना होता है, कौन सा अकाउंट खोलना होता है, दैट वी कैन एक्सप्लेन यू। तो जस्ट आप फीडबैक फॉर्म के अंदर में अपना रिक्वायरमेंट डाल देना, तो है ना, हमारी टीम से संजय भाई वगैरह आपको ऑटोमेटिकली टच कर लेंगे और आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। पर एनआरआई आपका जो क्वेश्चन है कि एनआरआई कर सकते हैं क्या, तो यस एनआरआई ये काम इजीली कर सकते हैं। यस, उसके बाद में सागर का क्वेश्चन है, इफ आई डू 8000 पुट इन एंड इफ इन सितंबर निफ्टी कम्स टू 7500, यू विल वेट फॉर डिसंबर और यू विल स्क्वायर इट ऑफ इन सितंबर एंड बाय निफ्टी, एंड व्हाट अबाउट द लॉस इन 8000 पुट, विल इट डिक्रीज द इंटरेस्ट वी अर्न और नॉट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई क्वेश्चन ये है कि आपने 8000 वाला कट ऑफ में मेरा एंट्री लिया, सितंबर के अंदर 7500 आ गया, तो आप उस समय पे 7500 में निफ्टी ले लोगे स्क्वायर ऑफ करके या आप वेट करोगे? तो नंबर वन, अगर हमको पूछोगे तो हम वेट करेंगे, हमारे लिए तो हम लोग दिसंबर तक खड़े रहने वाले हैं। दिसंबर पे मेच्योरिटी कहाँ पे आती है सागर, अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड कि यदि वो 8000 से नीचे है तो हम लोग इक्विटी खरीद लेंगे, वो 8000 से ऊपर है तो आपको जितना इंटरेस्ट कमिट किया था उतना इंटरेस्ट दे देंगे, तो वो इंटरेस्ट आपको जनरेट हो गया होगा। तो नंबर वन, अगर हमें बोलोगे तो हम लोग वेट करेंगे, लेकिन आप अपने मर्जी से डिसीजन लेकर के अगर निकलना चाहते हो कि यू फील दैट 7500 इज द फैंटास्टिक लेवल फॉर मी टू बाय निफ्टी, सो आई वॉन्ट टू गेट एग्जिट एट दिस लेवल, यू कैन डू दैट बिकॉज देर इज नो लॉक इन पीरियड। अगला क्वेश्चन इसी के अंदर ही आपका जो है साथ में कि यू विल स्क्वायर ऑफ और डिसंबर और सितंबर निफ्टी, ये आ गया। हाँ, एंड व्हाट अबाउट द लॉस इन 8000 पुट, विल इट डिक्रीज द इंटरेस्ट वी अर्न और नॉट। सो इंटरेस्ट जो कमाने वाले हैं वो तो आपको मिलने वाला ही है, ये बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है सागर का कि भाई मैंने 8000 कमिट किया, तो 8000 कमिट किया तो दो चीज होने वाली थी, 8000 में मुझे निफ्टी मिलने वाला था और मुझे इंटरेस्ट की कमाई होने वाली थी। तो 8000 में निफ्टी मिलने वाला था और इंटरेस्ट की अर्निंग होने वाली थी। अब मानो अलग अलग लेवल पे, मानो सागर कल को 7500 आ गया निफ्टी, तो क्या होगा? तो 7500 यदि निफ्टी आ गया है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 7500 निफ्टी आ गया है, तो आपको पुट ऑप्शन जो है उसमें 500 रुपीज चुकाने को आएंगे वापस। प्रीमियम जो रिसीव हुआ था वो मैंने इंटरेस्ट में गिन लिया था, इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ वो मैंने इंटरेस्ट में गिन लिया था, तो इंटरेस्ट अर्निंग, तो मुझे इंटरेस्ट अर्निंग मिलने वाली है इस केस में। लेकिन जो 7500 होने के कारण पुट में मुझे 500 लगे, तो अब आपको जो निफ्टी बाई होगी वो अब आपको 7500 में बाई होने वाली है। तो ओवरऑल आपने कितना चुकाया, तो ओवरऑल आपने 8000 ही चुकाया था। तो अपने पहले भी यही समझा था कि 8000 में निफ्टी मिलेगी और इंटरेस्ट अर्निंग मिलेगी, तो अभी भी आपको 8000 में निफ्टी मिली और इंटरेस्ट अर्निंग मिल गई। कल को अगर यही निफ्टी जो है 7500 की जगह पर, अब वो 7500 की जगह 6000 हो गई, तो 6000 हो गई तो क्या, तो 6000 हो गई तो अब आपको जो निफ्टी है
वो अब आपको 6,000 में मिलेगी और आपको पुट के नाम पे 2,000 चुकाने को आएंगे, वापस आपने चुकाया तो वही 8,000, वही कमिटमेंट की 8,000 में निफ्टी मिलेगी और आपको इंटरेस्ट की अर्निंग होगी। तो इंटरेस्ट की अर्निंग तो आपको हर लेवल पे होने वाली ही है, बस कमिटमेंट ये था कि आप 8,000 में निफ्टी खरीदने को तैयार हो। आपने 8,000 में निफ्टी खरीदी, उसका भाव 6,000 हो गया, तो आप एक बार के 2,000 रुपए लॉस में दिख रहे हो, क्योंकि माल जितने में खरीदा उसके बाद वो टूट गया तो उसका लॉस है, पर इंटरेस्ट की कमाई तो आपको मिल चुकी है। तो सागर, एम आई क्लियर? यू गॉट दिस लेवल लॉजिक, यस और नो? सो अगर आपको ये समझ में आया तो एक बार मुझे यस लिख के भेजो, और कुछ क्वेश्चन है तो है क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है मनीष भाई का, इफ वी सेल निफ्टी इंडेक्स एट 6 lakhs, देन हाउ कैन वी अर्न 7% ऑन 6 lakhs डेट इफ वी सेल? ओके मनीष भैया, आप निफ्टी का पुट ऑप्शन सेल करते हो, आप निफ्टी सेल नहीं करते हो। तो निफ्टी का पुट ऑप्शन सेल करते हो तो प्रीमियम रिसीव होता है हमको, हमारे को प्रीमियम पे करने को नहीं आता है, और हमको बदले में मार्जिन रखना पड़ता है, और मार्जिन आप कैश भी रख सकते हो और कॉलेट्रल भी रख सकते हो। तो आप कैश जो लेके आते हो वो पहले अपन डेट में पार्क कर देते हैं, डेट में पार्क करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट कमाने को मिल जाता है, और वही डेट को अपन मार्जिन के तौर पे रख देते हैं जिसके सामने अपन पुट बेच सकते हैं। तो इसके कारण से आपको उस डेट के पैसे का इंटरेस्ट मिल रहा होता है मनीष भाई, और साथ में पुट का प्रीमियम मिल रहा होता है, तो ये दोनों अर्निंग आपको इसलिए मिल रही है। You got this? Yes or no? मुझे वापस रिप्लाई भेजना। ओके सागर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और मनीष भैया, आपको ये क्लैरिटी आ गई हो तो मुझे रिप्लाई भेजो। अगला क्वेश्चन है आदित्य चंद्र, आदित्य का क्वेश्चन तो पक्का डिफिकल्ट होगा। सर, सपोज वी सेल अ पुट ऑप्शन ऑफ ₹7,000 बाय डिसंबर, मार्केट इज एट 4,000, देन वी विल बाय एट 7,000, हाउ डू वी हैव पुट इंश्योरेंस for it under index long term strategy for the next year? I mean, market at 4,000, I bought it at 7,000, how do we have insurance for this? Aditya, mere khayal se aapne do strategies ko combine kar diya, you are talking about index long term strategy, to ye index long term strategy ka agar question hai na, to I want you to discuss this later on personally, okay? So, उसमें क्या कर सकते होते हैं वो अलग समझेंगे अपन। इंडेक्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी डाउन साइड प्रोटेक्टेड ही होती है, यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं ये है बुल्स आई स्ट्रेटेजी, ये बुलिश लोगों के लिए है, जिनको बाजार के अंदर में तेजी लगती है उनके लिए है, नीचे की लेवल पे वो माल खरीदने को तैयार है, उन्होंने जिस लेवल पे माल खरीदा उसके बाद अगर मार्केट नीचे गया तो उनका माल उनके हाथ में आया हुआ है जो लॉस में चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी के टाइम पे किसी ने 12,000 के अंदर में म्यूचुअल फंड खरीदा है और बाजार 9,000 आ गया है, तो एक बार वो लॉस में खड़े हैं पर उनको ये होप है कि देर सवेर भाव बढ़ेगा, दे विल अर्न मनी। तो द सेम वे हम अभी 9,250 पे हैं, आप अभी से ही 25-30% डिस्काउंट के अंदर में निफ्टी मांग रहे हैं, तो आपने 7,000 का निफ्टी चूज किया जो 6,500 पे पड़ रहा है, तो 6,500 पे पड़ रहा है तो 9,200 माइनस 6,500 मतलब 2,700 पॉइंट हुए, और डिवाइड बाई 9,250 करता हूँ तो इनडायरेक्टली 30% डिस्काउंट में आपने निफ्टी खरीदा है। अब 30% से ज्यादा यदि बाजार टूट जाए तो आपके हाथ में एक बार निफ्टी आ गया है, बाजार जब भी बढ़ेगा तो यू विल गेन। यू गॉट दिस? तो क्वेश्चन आपका यही था क्या? और अगर क्वेश्चन इसके अलावा कोई और है तो आप मुझे वापस दे सकते हैं। ओके, अब आपको इसके बारे में और भी कुछ ज्यादा जानकारी हो ना, किसी को पर्सनल क्वेश्चन हो तो संजय भाई विल आंसर यू ऑल द थिंग्स ऑन पर्सनल बेसिस ऑल्सो। मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर तो यहाँ दे ही रहा हूं, पर मैंने यहाँ पे मैसेज में आपको संजय भाई का नंबर भेजा है, तो अगर आपकी कुछ ऐसी हो जो पर्सनल क्वेरीज हो, आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो, तो संजय भाई का नंबर है, आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं, ही विल आंसर यू अबाउट योर क्वेरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद में मितेन भाई का, इफ आई डू 8,000 पुट एंड इन सेप्टेम्बर निफ्टी कम्स टू 8,500, यू विल वेट फॉर डिसम्बर और विल स्क्वेयर इट ऑफ? एंड ये आंसर मैंने दिया था ऑन एंड, व्हाट अबाउट द प्रॉफिट इन 8,500 पुट इन द ऑप्शन टू सेल ऑफ विथ अस? सो क्वेश्चन ऐसा है, वापस मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इफ आई डू 8,000 पुट, मतलब 8,000 की कट ऑफ पे मैं घुसता हूँ, एंड इफ इन सेप्टेम्बर निफ्टी कम्स एट 8,500, निफ्टी ऊपर है पर 8,500 है अभी भी, 9,250 वाली
8500 आ गई. यू विल वेट फॉर डिसम्बर, तो यस वी विल वेट. यू कैन एग्जिट इफ यू वॉन्ट, बट इफ यू आस्क अस वी विल वेट डन, और यू विल स्क्वायर इट ऑफ. ये आंसर आ गया इन सेप्टेम्बर. एंड सेल निफ्टी, तो यहाँ पे हमने बोल दिया वेट करेंगे. अब अगला क्वेश्चन, एंड वॉट अबाउट द प्रॉफिट इन 8500 पुट इन द ऑप्शन टू सेल सेल ऑफ विथ अस. ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, लास्ट का क्वेश्चन क्या है आपका. यदि क्वेश्चन है कि उसमें प्रॉफिट का क्या करोगे, तो वो प्रॉफिट अपने इंटरेस्ट में गिना हुआ ही है. तो मैच्योरिटी यदि 8500 पे आएगी और मैंने 8000 का कट ऑफ लिया था, तो मेरे को वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट कमाने को मिल गया है. तो देट पूरा का पूरा इंटरेस्ट विल बिकम आई इनकम मीथेन. फिर भी इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैंने क्लियर नहीं समझाओ, तो आप दोबारा मुझे लिख के भेज दो. और अगर क्वेश्चन का आंसर आ गया तो एक बार यस लिख के भेज देना. मनीष पटेल, सो बाय एंड सेल निफ्टी बाय यू. सो बाय एंड सेल निफ्टी बाय यू, हमारे पास में भी कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जहां पे एल्गोरिथम लगे हुए हैं. तो सचमुच में वी आर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, टू वी एडवाइज, बट वी कैन ऑल्सो हेल्प यू आउट कि जहां पर आपका एग्जीक्यूशन भी बड़ा इजिली हो सकता है. तो मेंबर भी हमारे पास में कई ऐसे हैं जो ये सब काम को एकदम इजिली एल्गोरिथम के थ्रू एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो हम एडवाइज करेंगे, वहां ट्रेड हो जाएगा और आपका काम आपके अकाउंट में हो चुका होगा. मनीष भैया इस तरह से. ओके मनीष पटेल, आई हैव टू ट्रांसफर फंड टू यू एंड यू विल डू ऑल द ट्रांजेक्शन. तो मनीष भैया यस, क्वेश्चन यही है, आप हमारे को केवल फी का ही चेक देंगे. पिन आइडियाज को उसकी एडवाइजरी फी ही मिलेगी. आपका जो भी फंड है वो आपका जो अकाउंट होगा ना उसमें जाएगा. तो आपने जिस मेंबर के वहां पे अपना अकाउंट खोला होगा, मान लीजिए आपका अकाउंट शेर खान में है, मोतीलाल में है, जैनम में है, आरवाड़ी वाला में है, जो भी मेंबर के एंड पे आपका अकाउंट है, तो आप अपने अकाउंट में पैसा डालेंगे और वो ट्रेड वहां पे होगा, वहीं पे वो डेट में पैसा पार्क होगा. तो आपके डीमेट अकाउंट के अंदर में आपकी पोजीशन पड़ी होगी. तो इस तरीके से ये पूरा काम होता है. और कल को आप ये चाहते हो कि ट्रेड एग्जीक्यूशन आप अपने एंड पे करना चाहते हो, आपका कोई एक एक्स वाई जेड ब्रोकर के अकाउंट है और आप चाहते हो मेरा ट्रेड वहीं पे मुझे करना है, तो भी आप कर सकते हो. वी विल इन दैट केस वी विल सेंड यू द एडवाइस, ट्रेड आपको करना होगा. तो जो एल्गोरिथम का जो बेनिफिट है वो आपको नहीं मिल रहा होगा, पर वो ट्रेडिंग आपको करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के एंड पे लेनी होगी. तो दैट यू कैन डू दैट. यस, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मितेन भाई का, ऑप्शन इज विद अस और नॉट. आई हैव गॉट द आंसर. ओके वेरी गुड. शालीन का क्वेश्चन है, व्हाट इफ यू डू अ पुट ऑप्शन फॉर 8000 बाई, बट बाई एंड ऑफ द डिसम्बर द निफ्टी इज एट 9500, व्हाट हैपेंस देन. तो शालीन, कल को आपने ये 8000 वाला कट ऑफ लिया और बाजार 9500 लास्ट में है, तो वो जो 8000 पे 12% का यील्ड है, वो 12% का ब्याज आपको मिल गया. तो बाजार कल को अगर यहीं का यहीं पे है तो आपको ब्याज मिल जाएगा, या ऊपर है तो ब्याज मिल जाएगा, और बाजार कल को नीचे है 8000 से नीचे है तो आपको इंडेक्स मिल जाएगा. सो इस तरीके से होता है. तो शालीन, डिड आई आंसर इट, आपको समझ में आ गया तो मुझे एक बार यस नो भेजना. पवन का एक क्वेश्चन है, व्हाट इफ वी बाय पुट ऑफ लोअर स्ट्राइक प्राइस so that we are protected as well. तो पवन, this can be done, है ना? तो उसमें क्या flavors डाले जा सकते हैं? तो जब अपन trade करना शुरू करते हैं तो client की requirement के हिसाब से उसमें जो एडवे करने की जरूरत होती है, that we can do. पर फिलहाल हमारा जो objective था यहाँ पे, एक व्यक्ति जो mutual fund में पैसे डालता है, एक व्यक्ति जो equity में पैसे डालता है, उस आदमी को यदि already discount के अंदर में माल मिल रहा है, तो उसके लिए जो पूरा का पूरा philosophy है वो सारा का सारा बाकी का सेम है. भाई आज आपने अगर म्यूचुअल फंड में भी डाला है पैसा, तो बाजार टूटता है तो आपको नुकसान होता है, बाजार बढ़ता है तो आपको गेन होता है. यहाँ पे आपको निफ्टी डिस्काउंट में मिल रहा है पहले तो 25% 30% 20% डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इंटरेस्ट यील्ड वी आर चूजिंग. उसके नीचे गया तो वैसे भी आप बाकी जगह पे वेट करते हो, यहाँ भी वेट कर सकते हो. फिर भी आप ये पुट बाई वगैरह करना चाहते हो तो वो अपन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर वी कैन एड दैट. तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से होता है. मैंने आपको फीडबैक फॉर्म का लिंक ऑलरेडी भेजा है, संजय भाई का कॉन्टेक्ट नंबर आपको भेजा है. तो अब आपको कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चंस हो, हमारा क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि वी वांट टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन टू एवरीवन फॉर अचीविंग फाइनेंशियल फ्रीडम, कि हर व्यक्ति जो हमारे टच में आए वो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़े. फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरह से मिलता है व्यक्ति को? पहले वो पैसा सेव करना शुरू करे. खाली सेविंग से काम नहीं होता है, वी अंडरस्टैंड दैट. वो सेविंग किया हुआ पैसा फिर इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट या यील्ड जनरेट करना शुरू करे. तो आपका पैसा नया पैसा क्रिएट करना शुरू करे. तो जब आपका पैसा पैसा बनाना शुरू करता है,
तब हमारे पास में वेल्थ क्रिएशन आता है, तब हम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। तो हम हमारी पूरी सराउंडिंग है जितनी, उसमें ये फाइनेंशियल फ्रीडम की क्या क्या नॉलेज स्प्रेड कर सकते हैं, वो हमारा पूरा का पूरा मिशन है जो हम करते जा रहे हैं। तो जितना कुछ आइडिया होता है शब्द से हम आपको समझा देते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि आप उस जर्नी में आगे बढ़े। छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, हर कोई इसके अंदर में अपना काम कर सकता होता है। तो वो करता जाए, वो थोड़ा 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 पैसा कमाए, तो वो बूंद बूंद से सागर भर जाएगा। तो बस उससे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। जब रिटायरमेंट होगा और रिटायरमेंट के पास में आपके पास में एक बहुत बड़ी वेल्थ होगी, तो हमारे को अपने आप उसके क्रेडिट मिल चुके होंगे उस समय। सो कैन यू शेयर द चार्ट ऑफ निफ्टी एंड द इंटरेस्ट रेट? तो मेहुल, वी कैन डू इट। जो फीडबैक फॉर्म भरा है, रखा है आपके लिए, उसमें आप डाल देना रिक्वायरमेंट, वी कैन शेयर इट। तो मेहुल, वी विल डू दैट। अजय भाई, कैन देयर बी एनी अदर डाउन साइड देन फर्दर लॉस ड्यू टू निफ्टी फर्दर गोइंग डाउन? कैन देयर बी एनी अदर डाउन साइड देन फर्दर लॉस ड्यू टू निफ्टी फर्दर गोइंग डाउन? सो और कोई एडिशनल, और कोई दूसरा लॉस नहीं है आपके पास में। आपके पास में जो रिस्क है वो यही है कि आपने 8000 के अंदर में यदि कट ऑफ चूज किया, तो आपको 8000 की निफ्टी मिल गई है। अब 8000 से निफ्टी यदि उस मोमेंट पे डाउन है और आपका 8000 में बाई हुआ है, तो अब आपको उस मोमेंट पे लॉस फील हो सकता है। उसके अलावा मेरे हिसाब से और कोई दूसरा टेंशन नहीं है इसके अंदर में। पर ये अपनी इंटरेस्ट यील्ड को बढ़ाने के अंदर में एक बहुत बड़ी मदद कर सकता है अजय भाई। तो मेरा ऐसा एजम्पशन है कि अपन एक बार इसको और डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में, और डिस्कस करके वी कैन अंडरस्टैंड कि अपने को इसमें क्या प्लान किया जा सकता है। मेहुल भाई, ये जो ईमेल आईडी वगैरह है वो आप है ना उसी फीडबैक फॉर्म में डाल दीजिएगा, तो वी विल आंसर देख। तो वंस अगेन, आई होप मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं, और एक बहुत सिंपल चीज को बहुत सिंपल शब्दों में समझाया है, ताकि ये आप लोगों को वेल्थ क्रिएशन में एक बड़ी मदद कर सके। इसके अलावा और कुछ भी क्वेश्चंस हो, वी विल ऑलवेज बी हैप्पी टू सर्व यू। लगातार हम लोग इस तरीके के वेबिनार करते जा रहे हैं, जो नए नए कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कस्टमर को समझानी चाहिए, तो हम लोग हमेशा उसके ऊपर वेबिनार रखते हैं। तो वी रिक्वेस्ट यू कि जब मौका मिले आप हमको ज्वाइन किया करो, और जिनका भी डेटाबेस आगे है अब हम लोग उनको कनेक्ट करेंगे, उनको आगे के इनवाइट भेजेंगे। दिनेश, एज एनआरआई आवर बिगेस्ट कंसर्न इज द करेंसी डिवेल्यूएशन। इन एब्सोल्यूट टर्म्स वी डोंट मेक मनी, वेयर डू यू सी द करेंसी गोइंग बाई द एंड ऑफ द ईयर? सो दिनेश भैया, इसके लिए भी अभी है ना एक जल्दी अपन लोग करेंसी है जिनके ऊपर में भी एक पूरा का पूरा वर्कशॉप लेके आ रहे हैं वेबिनार। तो आई एडवाइज यू कि उसको एक बार ज्वाइन करना। तो जो व्यक्ति एनआरआई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो है, उसको फंड के ऊपर में इंटरेस्ट भी कमाना है और उसको करेंसी का रिस्क भी नहीं लाना है। तो वो दोनों को आपको डबल एफर्ट्स करने होंगे। आपको करेंसी को भी एक साइड में हैज करना होगा, पर वो भी बहुत लो कॉस्ट में बहुत स्मार्टली हेजिंग की जा सकती है, और उसके साथ साथ में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। और उसके बावजूद दोनों को जोड़ करके यू कैन अर्न वेरी गुड यील्ड, दैट वी विल एक्सप्लेन यू। तो बहुत जल्दी अगले एक वीक के अंदर में अपन लोग करेंसी हेजिंग के ऊपर में भी एक वर्कशॉप लेके आ रहे हैं, तो यही वेबिनार। तो आई एडवाइस वो अटेंड करो, उसके बाद में इसका आंसर मिल जाएगा। और पर्सनली समझना है तो संजय भाई विल हेल्प यू आउट। मयंक, आई एम एनआरआई बट आई डू नॉट हैव एनी डिमांड अकाउंट, हाउ कैन वी डू एनी डीमेट अकाउंट? लिखा होगा शायद, ओके हाँ। सो वो काम जो है ना, वो काम वी विल एंश्योर दैट, तो वो काम हम करवा पाएंगे आपका मयंक भैया, तो वी विल डू दैट, है ना, वो करवा देंगे। ओके या दिनेश, वो एडवाइस आपको मैं भेज दूंगा इनवाइट जब भी आएगा तब। सो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक्स फॉर कमिंग हियर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आप सब लोग आते हैं तो हमारे को मोटिवेशन मिलता है, हमारा हर समय उत्साह बढ़ता है कि फिर कुछ नया लाएं, फिर कुछ नया लाएं। बस ऐसे ही आते रहिए, और हमारे लिए हमको